जय शंकर दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है काफी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा ब्लॉग मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ। तो गाइस हम प्रैक्टिस जो है वो पार्क में करने वाले हैं, मंदिर में, बैनर मंदिर में। एक्चुअली जो हमने बच्चे ऑडिशन के लिए रेडी किए हैं, हमारा ग्रुप प्रोमिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सोचा अभी मिरर के सामने नहीं करवा के कहीं ओपन में करवाते हैं, जिससे थोड़ा बच्चों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। तो फिर सभी बच्चों को मेरा टाइम दे दिया, चार बजे उधर पहुंचेंगे तो मैं भी निकलता हूँ रूम से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस मेरे साथ पॉपआउट हो चुका है। मैं 3 बजे पहुंच गया पार्क में और मैंने मैसेज किया था 3:45 पे पहुंचना है, मतलब 4 बजे, और मैं 3 बजे, मतलब 2:45 पे, मतलब अलग ही दुनिया। मैं मेरे में एक चीज़ बड़ी अच्छी है क्या, टाइम का पाबंद दूँ। जहाँ पे मेरे को बोलना है ना भाई 5-10 मिनट पहले पहुंचना है तो पहुंचना है। हाँ कभी कभी बोरा ही बड़ा ही, मतलब ऐसा हो जाए तो 5-10 मिनट लेट हो, वैसे लेट नहीं होता। तो वही सीन हुआ, अपने टाइम के मुताबिक उठा और आ गया। तो फिर मैं बोला बच्चे क्यों नहीं आए, क्या सीन है पार्क में, ऐसा क्या दिक्कत हो गई है। बाद में मैंने मैसेज देखा, वो भाई ये तो 4:45 बुलाया और मैं 3:45 पहुँच गया हूँ। तो अभी कुछ नहीं है, अभी फिर से इधर चारपाई पड़ी है गर्मी में, तो थोड़ी देर सोते हैं और जैसे टाइम होता है फिर निकलते हैं। थोड़ी सी रेस्ट हो चुकी है और अंशु भी आ चुका है। चलिए अंशु, फिलहाल हमारी सारी की सारी गैंग आ चुकी है और टॉप कर लेते हैं प्रैक्टिस। बड़ी जोर से पढ़नी है टांगों वाला रुक जा। वाला पार्क था उसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ था, प्रॉपर प्लेन जगह नहीं था। अब दूसरे पार्क आए हैं, फिलहाल अभी हमने दिया है ब्रेक छोटा सा क्योंकि बच्चे का भी आ थक चुके, आधे घंटे से कंटिन्यू कर रहे हैं और इनकी देख रहे होंगे खूब डंडा पिटाई हो रही है, पड़ेगी भाई अभी 10-1 हफ्ता रह गया है तो थोड़ी सी पिटाई तो होगी। अभी प्रैक्टिस और करनी है, अभी फिनिशिंग में भी हमारी 50% ही हुई है, 50% फिनिशिंग और देने के बाद फिर आपको दिखाएंगे पूरी परफॉर्मेंस की कैसे है, कैसे नहीं, क्या क्या सीन है इसका। तो फिर आप तो फिलहाल गाइस मैंने पैकअप कर लिया, अब निकलते हैं, अकेडमी की क्लासेस का टाइम हो गया है। हमारी गैंग आ रही है पीछे पीछे और आगे आगे मैं चला हूँ सबको साइड साइड करते करते और काफ़ी मजा है प्रैक्टिस करने का। अब डेली 7 दिन रह गए हमारे पास, 7-8 दिन है, 7-8 दिन भी नहीं बोल सकते, 5 दिन है इन्हें हमको फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग तो नहीं बोल सकता अभी, मतलब 50% ही फिनिशिंग है हमारी परफॉर्मेंस में, बाकी धीरे ठीक हो ही जाएगी। तो अभी बच्चे क्या कर, बच्चे और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आप पिकनिक का प्लान बनाइए, देखते पिकनिक का प्लान जैसे बनता है। तो फिलहाल गाइस आज का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, हमें 8:30 बजे अकेडमी बज गया क्योंकि हमने 2 दिनों से शॉर्ट नहीं बनाई थी, तो आज एक दो वो बनाई है तो पोस्ट करेंगे क्योंकि पिछले का 2-3 दिन का गैप पड़ जा रहा है, हर चीज में 2-3 दिन का गैप पड़ जा रहा है गाइस, आजकल बिजी लाइफ हो गई है इसीलिए। तो फिलहाल अभी सब कुछ हो चुका है, हम निकलते हैं रूम के लिए। पहुँच चुका हूँ रूम पे। तो गाइस एक बैड न्यूज, मेरे ड्रेड लॉक पूरे पूरे खराब हो गए हैं, बाल निकलाए, मतलब बाल वो उन्होंने ऐसे करे होते हैं ना वो निकल गए हैं बाल सारे। तो ना बोला था ड्रेड लॉक आपको महीने में वो सेटिंग करवानी पड़ती है, वो नहीं करवाई तो मुझे कल संडे को जाना पड़ेगा उनके दोबारा, क्योंकि एक बार ड्रेड लॉक बनाने के बाद ना उनकी 2 बार वो होती हैं क्या ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग करनी पड़ती है। समझाता हूँ ड्रेसिंग क्या होती है, ड्रेसिंग क्या होती है, मतलब जैसे आप चीज़ें एक बार होगी ना उसको दोबारा 3 बार फिनिश किए जाते हैं, मतलब अभी खराब हो गया ना फिर से करेंगे, फिर एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, उसके बाद मेरे जो बाल है वो फाइनल हो जाएंगे। ऐसे मेरा मन नहीं है रखने का, नितिन बोल रही है मत कटाओ अच्छे लग रहे हैं, तो देखता हूँ अभी क्या सोचता हूँ क्या नहीं। ये लटा तो देखो कुछ अलग ही फ्लेवर है इसका। बड़े सारे बंदे बोलते हैं क्या है ये, अब मेरे पापा ने मेरे को कमेंट किया था भाई नाइस, फेसबुक कमेंट और डाली थी, मैं बोला डिसना बदलेंगे पर उन्होंने कमेंट किया कि नाइस। तो गाइस देखा होगा आपने आज हमने कितना इंजॉय किया पार्क में, तो हमारी परफॉर्मेंस अभी 22 को परफॉर्मेंस है, आज 17-18 हो गई है, तो इसे थोड़ा सा मेरे को डंडा भी रखना पड़ा है साथ में, बच्चों को ऐसे ज़्यादा जोर से मारते नहीं है, ऐसे प्यार से डराने के लिए होता है, फिर भी एक बार पड़ जाती है गुस्से में, अगर कोई दोबारा एक मिस्टेक को 100 बार बताने के बाद भी करे तो वो पड़ जाती है। तो गाइस आज का व्लॉग भी छोटा बना है उसके लिए माफ़ करना, लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।